तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पुराने चार्जरों के इन सॉकेटों से हम एक 12 वोल्ट की बैटरी का चार्जर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चार्जर को बनाने के लिए हम सिंपली एक ये डिब्बा लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सभी चार्जरों को इसी में फिट करेंगे और फ्रेंड्स, इसी में हम चार्जर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए चार्जर को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सिंपली इसके यहाँ आगे पे कुछ मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मार्किंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आगे की साइड फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो एलईडियाँ फिक्स करेंगे और फ्रेंड्स, एक ये फ्यूज फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इन्हें फिक्स करने के लिए इनमें मार्किंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फ्यूज को फिक्स करने के लिए अगर आप मार्किंग कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड्स इस बोल्ट को लेके फ्रेंड्स, हम सिंपली इसको यहाँ पे रख देंगे। फ्रेंड्स, हम सिंपली इसी की मार्किंग कर लेंगे और फ्रेंड्स, इसे कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सिंपली मार्किंग कर ली है। अब फ्रेंड्स, इसे कट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें ये एलईडियाँ फिक्स कर ली हैं। अब फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे फ्यूज फिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये सारे चार्जर जॉइन कर लिए हैं और फ्रेंड्स, इन चार्जरों को आप चिपकाने से पहले इनके जहाँ से फ्रेंड्स एसी करंट इनपुट में जाता है फ्रेंड्स, वहाँ पे आप एक एक वायर ज़रूर कनेक्ट करने, वरना फ्रेंड्स आपको बाद में सोल्डरिंग करने में दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आप इनकी वायरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, इनकी वायरिंग बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। हम सिंपली सभी के एसी इनपुट को आपस में जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इन सभी के एसी वायरों को आपस में जॉइन कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम सिंपली इसके इस माइनस को इस चार्जर के इस प्लस से और फ्रेंड्स, इस चार्जर के माइनस को इस चार्जर के प्लस से कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सिंपली इसके प्लस को इस चार्जर के माइनस से और फ्रेंड्स, इस चार्जर के माइनस को फ्रेंड्स, ये देखिए इसके प्लस से और फ्रेंड्स इसके प्लस से और फ्रेंड्स, इसके ये माइनस और फ्रेंड्स, ये प्लस आपका 12 वोल्ट डीसी के लिए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम सिंपली इस फ्यूज के कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सिंपली ये एक वायर केबल फ्रेंड्स, इसके एक वायर को हम सिंपली फ्यूज से कनेक्ट करेंगे और फ्रेंड्स, ये जो फ्यूज का दूसरा वायर फ्रेंड्स निकल रहा है उसको फ्रेंड्स इसके एसी से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए कनेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने इन एसी वायर को एक को ऐसे ही छोड़ दिया, उसके बाद फ्रेंड्स केबल के एक वायर को यहाँ पे और फ्रेंड्स दूसरे वायर को हमें सिंपली फ्यूज के फ्रेंड्स यहाँ पे और फ्रेंड्स इस वाले वायर को यहाँ पे कनेक्ट सोल्डरिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे सोल्डरिंग करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सोल्डरिंग करने से पहले हम आपको बता दें कि फ्रेंड्स, ये जो आपके ये बल्ब इंडिकेटर बल्ब हैं फ्रेंड्स, आपको सिंपली इनके माइनस को आपस में कनेक्ट कर लेंगे और फ्रेंड्स, इसके प्लस को हम सिंपली यहाँ इस चार्जर के प्लस से कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी वायरिंग कंप्लीट कर ली है। फ्रेंड्स, हमने सिंपली इसके ये जो प्लस बना, तो फ्रेंड्स हमने एलईडी के इस प्लस पर एक 1K का रजिस्टर लगा के कनेक्ट किया है और फ्रेंड्स, हमने एक और केबल इसमें अटैच की है।
परंतु ये आप इसमें आप 16 पैनल से भी अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके भी हमने माइनस को फ्रेंड्स ये इन दोनों के एलईडी के माइनस को आपस में कनेक्ट करके इसके माइनस और फ्रेंड्स इस सोलर वाले के माइनस को कनेक्ट कर लिया है, और फ्रेंड्स इसके प्लस को सोलर वाले, फ्रेंड्स इस सोलर वाले प्लस को ये देखिए फ्रेंड्स हमने एक 1K का रजिस्टर लगा के फ्रेंड्स इसमें भी एक नीचे वाली एलईडी कनेक्ट कर ली। तो फ्रेंड्स अब चलिए इनमें टेपिंग करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले हम इसमें आउटपुट के वायर ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आउटपुट के वायर कनेक्ट करने से पहले हम सिंपली इसमें IN4007 ये डायोड लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हम सिंपली एक डायोड इस सोलर के प्लस में और फ्रेंड्स एक डायोड इस चार्जर वाले आउटपुट के प्लस में कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस डायोड के इस ब्लैक वाली साइड को हम सिंपली चार्जर वाले आउटपुट के साइड कनेक्ट करेंगे, और फ्रेंड्स इस सिल्वर कलर यानी प्लस वाली साइड को हम आउटपुट में कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसकी वायरिंग कंप्लीट करके इसकी टेपिंग भी कर ली है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने फ्यूज भी लगा लिया है। फ्रेंड्स आप फ्यूज चाहे लगाएं चाहे न लगाएं, फ्रेंड्स ये एक प्रोटेक्शन के लिए है। अगर आपके चार्जर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये चार्जर फ्यूज हो जाएगा। फ्रेंड्स सिंपली हम जैसे ही इसके केबल को 220 वोल्ट एसी में कनेक्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारी 220 वाली इंडिकेटर लाइट ब्लिंक करने लगी है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको एक 12 वोल्ट की स्ट्रिप लाइट जला के आपको चेक करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स ये 12 वोल्ट की लाइट ब्लिंक करने लगी है। तो फ्रेंड्स आप इस चार्जर से 12 वोल्ट की बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।